मोदी जी जो यहाँ के प्रधानमंत्री है, इतना झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश में कोई हुआ ही नहीं। मोदी जी 400 पार, आप कह रहे हैं हमारा तो बुझाते कि 4 को पार ना हुए हैं। मोदी जी कहा तो गया कि हम लाएंगे और 15 लाख सबके खाते में दे देंगे। कहा क्या हुआ चुनौवा में? क्या हुई चुनौवा में? क्या हुई चुनौवा में? हो जाए वही अगर चल जाए हैं क्या जिधर आज बन उधर चल जाए हैं। विराट सिंह हाँ, हम तो यही सोच रहे हैं कि एक बार और मोदी जी आ जाए, सबका पेट भर जाए। अगर घर का परिवार जो है मुखिया अगर खराब रहेगा ना तो घर नहीं चलता है। उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री हैं। हिंदुस्तान के लोगों ने मन बना लिया है कि जैसे अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़के अंग्रेजों को यहाँ से भगाया गया, मोदी से आज़ादी की लड़ाई लड़के इसको यहाँ से भगा दिया। कहता है कि राजनीति की असली चर्चाएं चाय की दुकानों पर होती हैं। बनारस में 80 पर पप्पू की दुकान जो है ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक चर्चाओं के लिए विख्यात रही है पूरी दुनिया में, और वहीं बैठकर काशीनाथ सिंह ने काशी का 80 नाम का उपन्यास भी लिख दिया। हर शहर की अपनी एक पहचान होती है चाय की दुकान। अभी हम सिकंदरपुर बलिया में हैं और यहाँ कृष्णा स्वीट और चाय की दुकान पर हैं। यहाँ बहुत सारे प्रबुद्ध जन जुटे हुए हैं, तो हम ये उनसे बात करते हैं कि ये जो चुनाव आने वाला है 1 तारीख को होगा, उसके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं और क्या मुद्दा है। आप अपना नाम बताइए। सर तेज यादव। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं और समाज में रहते हैं। ये चुनाव आ गया है सिर पर जी, तो क्या जो है मनसा है, किस तरह का चल रहा है मिजाज, किस तरह? यहाँ दो तरह के मिजाज हैं जी। एक तो यहाँ भाजपा के सांसद 10 वर्ष से सांसद हैं जी, कोई विकास नहीं किए हैं, उनके एंटी वोट भी है। और दूसरी बात कि जनता बदलाव चाहती है, इंडिया गठबंधन को वोट देगी जनता। क्या बदलाव, किस कारण से बदलाव चाहती है? बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी में क्यों सरकार ये विफल रही है? अब ये तो ये सरकार जाने क्यों विफल है, लड़कों को नौकरी नहीं दे रही है। कह तो रहे थे कि 2 करोड़ देंगे। अगर दो करोड़ देते तो कोई बेरोजगारी का नाम नहीं लेता, और कुछ निकालते भी हैं तो उसका पेपर भी लीक करा देते हैं, यही लोग लीक कराते हैं। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार और बेरोजगारी दो मुद्दे। भ्रष्टाचार पर आप क्या सोचते हैं, किस तरीके की जो है आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इलेक्ट्रल बांड का और दूसरी चीज आई जो? ये सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्ट्रल बांड जी। इतना बड़ा घोटाला कोई नहीं है, चूंकि अभी इसकी जांच हो तब इसका मामला खुलासा हो जाएगा। पता तो लग गया कि भैया पैसा ज्यादा। हाँ, तो ये बताइए कि जो नई सरकार आएगी उससे क्या उम्मीद करेंगे आप? पहले तो घोटाला का जांच कराएंगे और बेरोजगारी और महंगाई पर अंकुश। आप अपना नाम बताइए। मनसाद खान जी। मनसाद खान साहब, क्या हालचाल है? बहुत ठीक है। चुनाव आ गया है। हाँ, क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में? तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ गठबंधन की सरकार जो है बन रही है, और सारे लोग गठबंधन को झुकाव, गठबंधन की तरफ क्यों झुकाव है? इसलिए झुकाव है, ये प्रधानमंत्री केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते, इसलिए पूरी जनता नाराज होकर के गठबंधन को दे रहे हैं। गठबंधन की सरकार बने, देखिए उनको उब गई है जनता। उनके बुनियादी नारे में ही विकास का मामला था, विकास की बात थी, सबका साथ और सबका विकास। तो नहीं, ये उल्टे कर लिए। क्या कोई विकास नहीं किए? आज 10 वर्ष में एक भी नौकरी जो है किसी नौजवान को नहीं दिए, नौजवान भी नाराज है। अपने सांसद को आपने कब देखा था पिछली बार? अरे वो तो बराबर 6 महीने में लौटते हैं, आज लोग उनको कोई कामें नहीं किए। अच्छा, उनसे सारी जनता नाराज है। तो क्या मतलब हुआ? गांव में वो जाते हैं तो उनको लखेदा जाता है। अच्छा। हाँ, कई जगह घेराव पड़ा है उनको। मैंने उनको तो क्या भारतीय जनता पार्टी किस बूते पर उनको सोचती है कि जीत जाएंगे? वो तो झूठ बोल रही, उनका काम है कि हमारी सरकार विधायक जीत रहे हैं, लेकिन जनता उनको नहीं जिता रही। तो कौन इधर से दूसरा प्रत्याशी? तो विद्यार्थी जो है गठबंधन के प्रत्याशी, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा वोट से जीते।
अच्छा, उनका रुझान जनता का रुझान उधर ही चल रहा। जैसे आप एक चीज बताइए जी, 10 साल मोदी की सरकार थी जी, उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी जी, अभी रस्साकसी चल रही है जी जी कि गठबंधन की सरकार आएगी आना चाहिए, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त हैं, तो आप दोनों की समीक्षा अगर करेंगे पिछले 10 सालों की, तो क्या आपको लगता है कि गठबंधन की सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा ऐसा है कि 10 वर्ष में पूरा जनता उनको देख चुकी है, अब हम लोग को गठबंधन को देखना है, हम लोग गठबंधन को जनता बना रहे हैं, अब इनको हमको देखना है कि ये क्या कर रहा है, ये विकास की बात कर रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम विकास के काम करेंगे और रोजगार देंगे और नौकरी जो है सारी हम खोल करके नौजवानों को हम नौकरी देंगे, तो इनको भी बना करके जनता देख रहे देखेंगे कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो ये जो अभी 400 बार का नारा है, एक मिनट, मोदी जी जो यहाँ के प्रधानमंत्री है, इतना झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश में कोई हुआ ही नहीं, उनके पास कोई रोजगार की बात नहीं है, अन्य विकास की बात, केवल उनको हिंदू मुस्लिम और क्या नाम है हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसी को वोट मांगना है, ये कब तक चलेगा? तो 400 पार नहीं होने वाला है जी, नहीं वो तो 150 अगर चले जाए तभी भी मुश्किल है। मन मिजाज कह रहा आपका? हमारा मन मिजाज ये है कि गठबंधन के साथ रहे, गठबंधन के साथ रहेंगे। अभी बहुत सारे लोग जो है जो जगह जगह हम लोग जा रहे हैं पूछ रहे हैं, तो कह रहे हैं गैस महंगी हो गई कोई बात नहीं, लड़का बेरोजगार है कोई बात नहीं, लेकिन आएंगे तो मोदी ही आपको, और उन्होंने भी दावा किया 400 पार करेंगे, आप कह रहे हैं गठबंधन के साथ है, तो गठबंधन जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। और दूसरी बात यह है, उन्होंने शिक्षा विभाग का जितना गलत काम किया है किसी ने नहीं किया, एक तो उन्होंने पुरानी पेंशन लागू नहीं किया, दूसरी जो है इनको क्या नाम है पुरानी पेंशन लागू नहीं किया, और दूसरा जो है और एडहाक का जो है जो शिक्षक एडहाक है उनकी कोई सुविधा नहीं दिए, इसलिए सारे शिक्षा विभाग के लोग एकदम से नाराज हैं और इंडिया के साथ सब लोग जुट करके गठबंधन को करेंगे, मैंने बदल देंगे। हाँ बदल देंगे, इसमें टोटल बदल। हाँ आपका नाम क्या है? निगम राम। क्या करते हैं आप निगम राम? खेती बाड़ी है, घूम रहे हैं समाज में। अच्छा समाज में आप सामाजिक कार्य में भी लगे हुए हैं जी, क्या क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं समाज में, पार्टी में हैं। किस पार्टी में? सपा में। तो अभी जो चुनाव का मौसम है उसकी हवा क्या कह रही है? हवा क्या कर रही है, गठबंधन बन रही है, सरकार बन रही है, लेकिन ये तो वो भी कह रहे हैं मोदी जी 400 पार, आप कह रहे हैं हमारा तो बजा देखिए 4 को पार ना हुई है मोदी जी, चार को पार ना हुई है मेरी ऐसा। हाँ ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? क्या उसका कोई आकाश, जनता एकदम नाराज भी है, लड़का भी नाराज मान सर, पढ़ा लिखा के आदमी चौपट भेज में लड़का बैठल बना सर, अभी भर्ती पुलिस वाले तो कहीं है फार्म भरवाना है, अपने रद्द करवाना, पर्चा आउट करवाना है, पर्चा रद्द हो गई। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? हमको तो लोग दया शंकर प्रजापति कहते हैं जी, कहेंगे जब नाम होगा तो कहेंगे जी। तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं, बस बैठे हैं देख रहे हैं। नहीं अभी ना बैठे हैं। हाँ हम रिटायर्ड टीचर हैं। हाँ तो जब अबुआ आप जो घुमा फिरा के देंगे तो हमको कैसे समझ में आएगा बताएं? अभी चुनाव का माहौल चल रहा है जी, उसमें क्या मुद्दा है आप देखिए, ये प्रजातंत्र है जी, प्रजातंत्र में सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए जी, सबको कुछ कहने का अधिकार होना चाहिए, और ऐसा माने प्रधानमंत्री ना हो जाए और देश का राजा ऐसा ना हो जाए कि जिसको कुछ बोलने का ही अधिकार ना रह जाए, माने राजा को प्रजा को माने राजा ऐसा हो जाए कि प्रजा को कुछ बोलने का अधिकार ना रह जाए। अभी क्या स्थिति है? तो अभी तो स्थिति है कि प्रजा के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, तो राजा को क्या सोचेगी है? तो मुद्दा क्या है? जैसे मुद्दा क्या है, बेरोजगारी है और शिक्षा जो है एकदम डूब गई है, शिक्षा नाम की चीज़ नहीं रह गई।
सब लोग चाहते हैं कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो हमसे नौकरी मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो हमसे न मांगेंगे न हम देंगे जी। तो पढ़ने दे नहीं देना चाहते एकदम। शिक्षा में क्या गड़बड़ी कर दी है? शिक्षा में गड़बड़ी क्या, उस तरह की व्यवस्था ही नहीं है। दिल्ली में देख लीजिए, केजरीवाल ने एक तरह की शिक्षा कर दिया, सब लोग एक ही पढ़ रहे हैं। किसी यहाँ पर तो है कि कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो जिसके पास धनी मनी जो होंगे वही ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। पूरी पूरे देश की शिक्षा एक तरह की कर दिया जाए, सब लोग पढ़ें, सब लोग आगे बढ़ें, सबको रोजगार दिया जाए और रोजगार अनिवार्य कर दिया जाए, गारंटी रोजगार हो कि कोई बेकार न रहे। जो स्थितियाँ हैं देश की, जैसा कि अर्थशास्त्री कहते हैं कि संपत्ति इतनी असमान है कि मुट्ठी भर लोगों के पास सारी संपत्ति है, बाकी लोगों के पास वो मुट्ठी भर संपत्ति। ये बताइए तो कि कैसे करेंगे आप? संपत्तियाँ असमान है तो किसी का अरबों रुपया कैसे माफ कर दिया जाता है? उसको जब दिया जाता है तो बैंक कंगाल होगा, तो देश कंगाल होगा, क्यों माफ कर दिया जाता है? उसे उतना लिया जाए, देश में खर्च किया जाए। हम यही बच्चा पूछ रहे हैं लोगों से है? तो लोग कह रहे हैं उधर भी तो गड़बड़ हुआ था और आप कह रहे हैं कि इधर ही गड़बड़ हुआ था। तो कहा तो गया कि हम लाएंगे और 15 लाख सब के खाते में दे देंगे। कहा क्या हुआ, कहाँ से आया कहीं से? अमित शाह ने तो बाद में कह दिया था स्पष्ट रूप से कि ये जुमला था, ये देने नहीं। तो आखिर ये झूठ बोलने की जरूरत क्या है? वोट लेना है, झूठ बोलने की जरूरत क्या है? ऐसा शासक ना हो कि आप डूबे देश को डूबाए और जनता को ले डूब मरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या किया जाएगा ऐसे शासक का? तो ऐसा तो बदलाव होना चाहिए। अपना नाम बताइए। श्री अमरनाथ गिरी। अच्छा, आप क्या करते हैं गिरी जी? खेती गृहस्थी करते हैं, थोड़ा सामाजिक सेवा करते हैं। खेती की क्या समस्याएं हैं आप? खेती की समस्या तो बहुत नाजुक है, जैसे कि महंगाई, खाद का दाम बढ़ गया, नहर में पानी नहीं है, तमाम समस्या है। खेती के बारे में पूछने वाली कोई बात नहीं है। पिछले 2 साल पहले किसान आंदोलन चला साल भर की तरह। जी जी, आप उसमें शामिल थे? किस तरह के मुद्दे थे? किसानों का मुद्दा बहुत अच्छा था और जो सरकार किसानों के विपक्ष में आवाज़ उठाई, उनके ऊपर लाठियाँ चलवाई, लाठी चार्ज कराई, ये सारा सर सरकार ने अन्याय किया किसानों के साथ। सरकार अपने मुद्दे पर अड़े हुए थे लेकिन उनका सुनवाई कुछ नहीं हुआ। तो अभी क्या आप, हवा क्या कह रही है, मुद्दे क्या हैं? हवा यहाँ गठबंधन की सरकार बनेगी, इस सरकार के विपक्ष में सरकार बनेगी। इस सरकार महंगाई, बेरोजगारी, तमाम समस्याएं से लोगों को पीड़ित किया है और आज देश के जनता ने मन बना लिया है कि सरकार को बदला जाए और इंडिया गठबंधन की सरकार हो, लोगों को, नौजवानों को बेरोजगारी दूर हो, सारा समस्याएं से वंचित हो जाए। शिव कुमार। अच्छा, क्या करते हैं आप शिव कुमार जी? खेती की क्या समस्याएं जिनसे आप दो चार होते रहते हैं? अब खेती की समस्या मूल तो ये है कि खाद पानी महंगा, बीज महंगा, पानी महंगा, ट्रैक्टर की जुताई महंगा और सारे कास्ट अगर जोड़ दिया जाए लागत को तो खेती का मैंने नुकसान है खेती का। लेकिन फिर भी खेती आप कर रहे हैं? मजबूरी है, इसके अलावा किया क्या जा सकता है भाई। खेती अगर है धन, वही हमको जीने का रास्ता है। अब यह है कि भोजन मिल रही है लेकिन कपड़ा की व्यवस्था कर, नमक की व्यवस्था कैसे होगी, कहाँ से होगी, खेती से सब नहीं होता है। एक मौका आता है हर बार, विधानसभा का चुनाव जब होता है प्रदेश की सरकार बदलने का और लोकसभा का जब होता है देश की सरकार बदलने का, ये मौका है अभी तो। आपका मन मिजाज कैसा? क्या हमारा मन मिजाज नहीं, टोटल लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों ने मन बना लिया है कि जैसे अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़के अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया गया, मोदी से आज़ादी की लड़ाई लड़के इसको यहाँ से भगा दिया गया। कहाँ भगाएंगे? अरे भाई, हिंदुस्तान में रहेगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देगा। नाम काबा रामचंद्र। हाँ, क्या करे थे? आइए खेती वेती करी ले, गोबर वोबर काढ़ी ले। अच्छा, अच्छा। और कौन मने चुनौवा में का हुई? चुनौवा में हो जाए वही चल जाए। क्या जिधर आइल बनल उधर चल जाए। गुजरात से? हाँ। अरे
गुजरात चल जाए मैं जना जौरिया गई बोलो एकदम हवा खराब सही गोहती अब्बा कर लो अपने से मर जाला देश अवे के मुआ दलन कई हजार लोग वैक्सीन दे के लोग मुआ दलन एकदम कोरोना का हाल बतावा कोरोना के एकदम जोहर दे दल अपन सुई है वही सब मर के लोग घाट पर दौड़ पर फूके के इतना लोग मर गए एक एक गांव में चर्चा सब लोग मर गए वो समय जो कर्फ्यू लगल रहल तब कैसन वो मन का परेशानी का बहुत परेशानी खैला खैला बिनु लोग मर गए लेके के तरह घर में परेशानी अलम तब से परेशानी दूर भैलबे आ रोग दूर भैलबा नोटबंदियों कह दे अरे बाप रे बाप उ नोटबंदी के बारे तो बिछिला दिया नोटबंदी का अनुभव का हो का हो अरे अनुभव तो जनबे जनता उ जान के आ कपड़े पर गिनवावत या ओकरे पलाम ले आवती है तो हाले दे आ जाओ हाँ देरी नहीं के धन्यवाद धन्यवाद आप अपना नाम बताइए निजामुल हक जी क्या करते हैं दुकानदारी करते हैं किराना के केचुआ का किराना का तो किराना की दुकानदारी कैसी चल रही है जबकि ऑनलाइन जो है दुकानदारी बढ़ रही है हाँ। तो आपकी दुकानदारी ठीक चल रही है हाँ। अच्छा तो अभी चुनाव में कैसी स्थिति है क्या मुद्दा है आपका हम तो यही सोच रहे हैं कि एक बार और मोदी जी आ जाए एक बार और मोदी जी आ जाए सबका पेट भर जाए अच्छा सबका पेट भरने के लिए मैंने मुद्दा आपका दूसरा है व्यंग है व्यंग व्यंग नहीं है जैसे हम लोग 300 रुपया किलो लहसुन खाए हैं 200 रुपया टमाटर खाए हैं तो एक बार और आ जाएंगे तो 600-800 होगा तभी तो पेट भरेगा तो एक बार उनको आना जरूरी है हमारे समय अच्छी बात है आपकी शुभकामना मोदी जी को लगे जी तो यही चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद एक आप अपना नाम बताइए सुरेश यादव अच्छा सुरेश जी क्या करते हैं आप खेती गृहस्थी करते हैं थोड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं अच्छा चुनाव बाद सिर पर क्या मुद्दा है इधर का इधर का मुद्दा तो एक ही लाइन में है कि भाजपा को हटाओ समाजवादी को लाओ गठबंधन को लाओ कल्याण देश में इसी में छुपा हुआ है ये सब झूठे वादे करते हैं झूठी बातें करते हैं अपने कहे हुए वादे पर कहीं खरे नहीं उतरते हैं झूठ का पुलिंदा है सबसे बड़ा तो घातक उन्होंने संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान को ही मिटा दिया जाए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था उस संविधान पर ही खतरा है आज के डेट में इसलिए जनता अब जागरूक हो चुकी है संविधान बचाने के लिए लोकल मुद्दे भी यहाँ काम करेंगे कौन लोकल मुद्दा जैसे यहाँ अभी इधर इन गाँव में कटान का मुद्दा है और महंगाई का मुद्दा तो आप बता ही रहे हैं लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं ना देखिए यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो संविधान का ही है संविधान पर ही सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा है अच्छा हाँ ये सब आ जाएंगे संविधान को खा जाएंगे तो संविधान को बचाने के लिए हाँ हाँ संविधान को हटाने के लिए हाँ जी ये देश की अस्मिता का चुनाव है अगर इस बार जनता नहीं सजग होती है तो इसलिए फिर जो है हम लोग को वहाँ लेके चले जाएंगे जहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका नाम क्या है रामाशंकर शर्मा अच्छा क्या करते हैं शर्मा जी आप बिजनेस करते हैं कौन सा बिजनेस पंप सेट का चुनाव आने वाला है आ गया है जी बल्कि तो क्या मन मिजाज बन रहा है आपके इलाके का और आपका भाई पूरे जनता का मन हो गया कि परिवर्तन लाया जाए परिवर्तन लाए तो परिवर्तन किन शर्तों पर लाएंगे आप क्या मांग रहे कि कैसी नई सरकार चाहते हैं भाई बेरोजगारी मुद्दा है महंगाई मुद्दा है और 400 पार का जो मुद्दा बना रहे हैं भाजपा वाले ये संविधान पर खतरा है मैंने 400 पार करेंगे संविधान बदलेंगे तो ये तो कई लोग कह भी चुके हैं हाँ जी जनता डरी हुई है लगता है डरी हुई है क्यों क्या डर है उसके मन में कि ये आएंगे संविधान बदलेंगे या बोलेंगे हाँ, तो और परेशानियां पड़ेंगी जनता को लोग बोल नहीं रहे हैं कायदे की क्यों नहीं बोल रहे जो बोल रहा है उसको जेल में ठूस दे रहे हैं अभी हम लोग टाइट पर होकर बोले अभी भाजपा लाएंगे चलो जेल में बंद करा देगा तनाशाही चल रही है तो कैसे इससे निपटने का एकमात्र रास्ता हाँ इसको परिवर्तन लिया जाए आपका नाम क्या है मेरा सीवी यादव नाम है और बीजेपी जो है ना धर्म के नाम पे वोट मांगती है हिंदू और मुस्लिम को लड़ाती है कोई इसका मुद्दा है ये नहीं है अगर घर का परिवार जो है मुखिया अगर खराब रहेगा ना तो घर नहीं चलता है उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री हैं ये जो है
हमारे देश को लूटने का काम कर रहे हैं, कोई विकास के नाम पे नहीं वोट मांग रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? और कोई आप एक वैकेंसी आप बता दीजिए कि जो शिक्षा के विषय में कोई वैकेंसी बिना पेपर लीक हुए कोई परीक्षा हुई हो? नहीं, मैंने परीक्षा नहीं दिया इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, पांच कोई परीक्षा आप बता दीजिए कि ये जो लीक ना हुआ हो। तो आप क्या शिक्षा के माने में जीरो है, शिक्षा के माने में जीरो है। सब राशन देने से होगा विकास, राशन 5 किलो राशन दे देंगे उससे विकास होगा। तो क्या किया जाएगा? संविधान को बचाना है, अब की परिवर्तन होगा। तो आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। समाजवादी पार्टी के हम 20 साल से सेवा करते हैं। हाँ। इस पर पूरे देश दुनिया में, पूरे भारत में यही ऐलान हो गया है कि राहुल और माननीय अखिलेश जी और तस्वीर लालू कलर के बिहार से सब, हाँ सबको यही मांग है जनता से कि एक ऐलान हो गया कि साथियों आप लोग मोदी जी के देश से भगाना है तो गठबंधन सरकार बनाना है। मुन्ना यादव। मुन्ना जी, आपका आपकी दुकान है, आप चाय वाले हैं जी, और मोदी जी भी कहते थे मैं भी चाय वाला हूँ, तो आप में उनमें क्या फर्क महसूस करते हैं? फर्क तो बहुत है, अब कौन जानता है कि मोदी जी चाय वाले थे कि नहीं थे, कोई देखा तो है नहीं। हम लोग तो प्रत्यक्ष हैं ना कि चाय वाले हैं भाई। तो चाय वाले की समस्या कभी उन्होंने सुनने की कोशिश की? कहाँ, कभी नहीं सुने हैं। हम लोगों को तो समस्या बढ़ती ही जा रही है। आपकी हम लोग संतुष्ट नहीं है चाय से, इसलिए कि बिक्री कम हो गया है पहले की अपेक्षा। हम लोगों की जनता खुश नहीं है तो हम लोग भी खुश नहीं है। जो चाय से लग रहा है कि जनता खुश नहीं है। चाय की जो सामग्री चाय में लगती है जी जी, उसके उसमें वो बढ़ा है दाम, उसका बढ़ा दाम है। तो बढ़ा ही है, लेकिन चाय का दाम नहीं बढ़ा है जी। चाय जो आज 10 साल पहले था वही बिक्री चाय की है। आपके मुनाफे में कमी आई है, बिक्री में भी कमी आई है, पहले की अपेक्षा बिक भी नहीं रहा है। जनता खुशहाल नहीं है, जनता मार्केट में आ नहीं रही है। चुनाव कम हो गया, चुनाव सिर पर है जी। आप क्या करने वाले हैं? अब वही बदलाव करेंगे, और क्या करेंगे, बदलाव कर देंगे। हाँ, कोशिश तो करेंगे। संविधान का चुनाव है। तो आपने देखा बलिया में सिकंदरपुर या जो कृष्णा टी स्टॉल है, वहाँ बहुत सारे लोग जुटे हुए थे और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से पिछली सरकार की आलोचना की, और वो कह रहे हैं कि वो बदलाव ले आएंगे। मुझे लगता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, समाज का नियम है और सत्ता का भी नियम है। मैं राम यादव, कृष्णा टी स्टॉल, सिकंदरपुर से, गांव के लोग के लिए।